58,568 वैकेंसी में जितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं, उन सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यवीर सिंह, जिला बिजनौर से। भाइयों, सुबह से देख रहा हूँ ग्रुप में बड़ी हलचल मची हुई है। कोई कह रहा है कि योगी दरबार जाएंगे, कोई कह रहा है कि भर्ती बोर्ड जाएंगे। भैया, मैं आपको बता दूँ, मैं 2013 से उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसियाँ देखता चला जा रहा हूँ, ठीक है। आप योगी दरबार भी जाइए, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन रखते हुए, योगी सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, ये भी हमको पता है, ठीक। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, आप भर्ती बोर्ड जाइए, विश्वकर्मा सर से जो है जाकर के बात कीजिए। विश्वकर्मा सर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हमारे दो लड़के कल लखनऊ गए थे, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट में उन्होंने जनरल डाल दिया गया था डोमिसाइल के मामले में। सिर्फ उन्होंने यही बोला है कि आप कोर्ट से ऑर्डर करा के लाइए, हम आपको एग्री कर लेंगे। सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगी। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं भैया, जो लड़के 2 नंबर से मेरिट से बाहर हुए हैं, सिर्फ मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ ये बात। बाकी भैया आपका मन है जिनके 3 नंबर भी कम है, उसको भी बुरा ना लगे, कुल मिला करके मैं आपको बताऊँ, कहीं कोई मुझको गाली देने लगे। तो जिनके 2 नंबर तक कम है भाई, वो लड़के तो समझिए अपने आप को कि वो बिल्कुल सेफ हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी हलचल सी मचा रखी है ग्रुप में, यार ये होगा वो होगा। भाई अभी इसमें 5-6 हज़ार पोस्टें मिलेंगी, ये आप जान लीजिए, कम से कम 5 या 6 हज़ार पोस्टें तो अभी मिलनी बकाया हैं। सिर्फ हमको दो एक गाइडलाइंस पास करानी है कि जो वैकेंसियाँ हमारी 49,568 से बचती हैं, उनको सर कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। उसके लिए अशोक खर सर से बात कर ली गई है, जिससे 18 तारीख को गेट नंबर 3 पर आप सभी लोगों को बुलाया गया है, ना कि आज़ाद पार्क। अगर जो आपको बहलाना फुसलाने का कोई मैटर होता तो आपको आज़ाद पार्क बुलाया जाता, इसीलिए आपको कोर्ट में बुलाया गया है। 18 तारीख को 2015 का ऑर्डर भी होने जा रहा है, जिसमें कैरी फॉरवर्ड पे रोक लग गई है। 2013 में जो कैरी फॉरवर्ड वाला मामला था, वो भी फाइनल करा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट जाकर के, 16 यादव वाली डेट पे। तो मेरे भाइयों, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और जिन लोगों ने फ़ोन करके SMS करके, यार भैया ये सब ग्रुप बाजी में जो है, पहली बात तो हाँ ग्रुप का एक मामला और आया भाई, इस ग्रुप में जो भी कोई तो गाने डाल दे रहा है, कोई अपना जो है मतलब नया विज्ञापन डाल दे रहा है, चैनल का एक्शन डाल दे रहा है। भाई जो यूट्यूबर चैनल सही हैं उनको उनको फॉलो करिए, और जो बिल्कुल दुनिया भर की बातें फैला रहे हैं उनको ख़त्म करिए। सबसे पहला मामला तो ये है, कोई अपनी क्लास डाल दे रहा है, कोई मैथ की क्लास, कोई हिंदी की क्लास, कोई जीके की क्लास। मेरे भाई ये क्लास विलास तो डाल लो यार, अपना दूसरा ग्रुप बना लो। हम लोग वैसे ही इतने हताश हैं और आप हमसे मजे लेने के लिए लगे पड़े हैं। और जितने भी ग्रुप एडमिन हैं, जो भी ऐसी हरकत करता है उसको सीधा रिमूव करें, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ वही लड़के चाहिए हमको जिनको नौकरी की आवश्यकता है, जिनके 1, 2, 3 नंबर कम है, और जिनको 5,000 वैकेंसी में लगभग सिलेक्शन हो सकता है, वही लड़के ग्रुप में रुके। अन्यथा कोई भी लड़का ग्रुप में दिखाई देता है तो भाई बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, नोट सिलेक्ट वाले लिस्ट में जब से अपना नाम देखा है, समझ गए ना आप सब लोग। और भाई मैं आपसे बता रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसको नौकरी की आवश्यकता है, 18 को इलाहाबाद हाई कोर्ट आए गेट नंबर 3 पर। और जिसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नौकरी की आवश्यकता किसी को ना हो। अशोक खरे सर से बात कर ली गई है, सिद्धार्थ खरे सर से बात कर ली गई है, और सीमांत भैया से बात कर ली गई है, विजय गौतम से बात कर ली गई है। इस विषय में पूरा मामला रख दिया गया है कि अगर जो वैकेंसियाँ बचती हैं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी, ये गाइडलाइंस पास 1-2 तारीख में ही हो जाएगी। और ये आप सोच रहे हो कि मेडिकल के बाद जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। 1-1.5 साल आपको लेट होना है तो भाई बेशक होइए, लेकिन जिसको हमारा साथ देना है वो दे भाई, जिसको नौकरी की आवश्यकता है वो 18 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट गेट नंबर 3 पर हमसे मिले। और क्या मैं आपसे बताऊँ भाई, बिल्कुल निश्चिंतित रहिए, बिल्कुल परेशान ना होइए, नौकरी तो मिलेगी, ये आप जान लीजिए नौकरी मिलेगी, ये एक अटल सत्य है, जो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ओके भैया, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा मैं। और दूसरी बात यह है यार, परेशान बिल्कुल ना होना। और हाँ भाई, जिनके आगे के एग्ज़ाम हैं वो आगे के एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। टेंशन लेने के लिए तो हमारी टीम और हम लोग ही बहुत हैं। जो भी हमारे भाई गोरखपुर की साइड से आ रहे हैं वो भैया कृपया करके संपर्क कर लें, जो इधर भैया बलिया बलिया की साइड से आ रहे हैं वो भी भाई संपर्क कर लें। लखनऊ, इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे मतलब बड़े बड़े महानगरों के जो व्यक्ति हैं जिनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, भैया वो भी कॉन्टैक्ट कर लें हम लोगों से। और हम सब लोगों का एक ही
मतलब होना चाहिए, जो वैकेंसियां बचती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए, जो नीचे वाले बच्चे हैं 9007 लिस्ट में जो नोट सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं बच्चों से उस वैकेंसी को भर लिया जाए। ओके भैया धन्यवाद, और कुछ बातें रह गई होंगी तो शाम को बताऊंगा भाई, बिल्कुल शाम तक आप परेशान ना होइए। ठीक है भैया, धन्यवाद।